हल्का सा डाउन सी, राइट। तो इसके बाद आप क्या करना है, इसको लेके जाके उसके प्रॉपर पोजीशन पे आपको डाल देना है। तो इसको शिफ्ट बी, डुप्लीकेट वाई एक्सिस, और इसको बगल में ले लीजिए, दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर पे आप एडजस्ट कर दीजिए, राइट। तब इन सभी को सेलेक्ट करके स्केल थोड़ा सा छोटा आप कर लीजिए इसको, और जाके हमारे यहाँ पे बेडरूम पे उनको लगा देना है। सर मगर एक चीज थोड़ा सा वो होगा सर, ये बेड पे क्या हो रहा है? सोफा तो क्या नाम है, एक बेडशीट लगाने के लिए थोड़ा बता सकते हैं सर, इसमें बेडशीट जो बेडशीट लगाने सिकुड़न, के हाँ जो लिए, सिकुड़न हो थोड़ा सा, पूरी हाँ वो तरीके से क्लॉथिंग इफेक्ट में आपको आ जाता है, क्लॉथिंग में, ठीक है। अच्छा हाँ क्लॉथिंग में, हाँ तो अभी इसमें नहीं आएगा, आवाज चला गया सर आपका, हेलो। सर आवाज गया, एनीवे हैज लेफ्ट कॉल, एक्सप्लोड फ्लूइड्स, तो ये सारे स्पेशल इफेक्ट्स हैं। ये क्लोथिंग बेसी में इस राइट साइड में, हाँ राइट साइड में आपको यहाँ पे देख सकते हैं, अभी क्लॉथ कर को यहाँ पे फिजिक्स में आपको लिखा है, तो जी, इसी क्लॉथ इफेक्ट को हम यूज करके ब्लैंकेट, बेडशीट, या फिर टेबल क्लॉथ्स, या फिर या झंडे हो गए कर्टन, लहराता हाँ हुआ झंडे, हाँ झंडा हो गया, या कोई भी क्लोथिंग का फ्लैग इफेक्ट हो, वगैरह कुछ भी, जी ओके, जो फ्लैग हो सकते हैं, कर्टन्स हो सकते हैं, टेबल क्लॉथ्स, बेडशीट्स, ओके, सारे ये अभी क्लोथिंग इफेक्ट आएगा हम सर इसी अभी पे हम ना, करते हैं। हाँ जैसे हमने मॉडलिंग और टेक्चरिंग हम खत्म करते हैं, हाँ तो उसके बाद हम ये स्पेशल इफेक्ट, सारे स्पेशल इफेक्ट्स के लिए मैं आता हूँ, जी जी सर, ओके। तो तब मैं आपको उसका पूरा डिटेल आपको बता दूंगा, ओके। तो ये कॉर्ड का आपको पता चल गया ना, हाँ ये पता चल गया तो सर। ये तो बहुत सिंपल सी है। हाँ अब अंदर कुछ अगर सामान भी नहीं डालेंगे तो चल जाएगा। अंदर भी, या फिर एक आप कर सकते हैं कि कबोर्ड आप पर डाल सकते हैं यहाँ पे, ऊपर ताकि का, कपड़ा वपड़ा रखने के अच्छा लिए। हाँ ठीक है, वो कबोर्ड भी आप आसानी से वो बना सकते हैं, जैसे सिंपल सा कंट्रोल सॉरी शिफ्ट ए दबा दीजिए, मेश, एक क्यूब ले लीजिए फटाफट से, और यहाँ से आपको
एक अलमारी की तरह आपको बना देना है। ओके ओके, तो एडिट मोड से यहाँ से एक चार दीवार आप खड़ा कर दीजिए इस तरह। ओके, और फेस सेलेक्ट करके, या तो एक और काम भी आप कर सकते हैं, डबल डबल लेने से अच्छा है। पहले ही आप यहाँ पे डिवाइडेशन, कितना आपको डिवाइड चाहिए उतना आप डिवाइड आप कर लीजिए, क्योंकि फिर से हमें क्या करना, बाद में उसको सेलेक्ट करके और अंदर फिर से मर्ज करने का वगैरह, डबल डबल हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि पहले ही हम सब कर लें। अभी फेस से ये सारे बीच वाले फेसेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड और अंदर की तरफ ले लीजिए। बस आपका अलमारी यहाँ पे बन गया। ओके, सो टैब प्रेस करके अभी आपको क्या करना है, इसको इसके अंदर धकेल दीजिए। ओके, ओ इधर लग गया क्या हमारा बेडरूम। ओके, तो इसको रोटेट अप कर लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर 90 डिग्री, ताकि ये पूरा स्ट्रेट हो जाए। स्केल थोड़ा सा इसको आप छोटा कर लीजिए। यहाँ से पता चल, हाँ कितना छोटा है कितना बड़ा है। ओके, तो इतना काफी लग रहा है, इतना तो बड़ा रहता ही है। तो शायद इसको थोड़ा सा यहाँ से अब दबा दीजिए। बस ये आपका बन गया कबोर्ड। ओके, तो फिर यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो अब आप एक काम कीजिए, इसी तरह आप यहाँ पे किचन का वगैरह सेम मेथड है, ठीक है, तो वो आप चालू कर दीजिएगा। जैसे किचन के वो ये होते हैं, मैं आपको एक रेफरेंस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, किचन लिखने पे आ जाएगा। हाँ, ऊपर एक स्टेप ऊपर ले दीजिए। ओके, और यहाँ पे एक्सरे मोड नहीं रहेगा? नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे कितना है, हाँ ये इक्वल होने चाहिए। तो ओके, तो यहाँ पे हमें एक एज यहाँ पे चाहिए। ओके, तो अभी फिर सेलेक्टेड ये एज पे चला गया। 1, 2, 3 ओके, 4, 5 सर, एक अलग से बनाकर वो इसके ऊपर नहीं रख सकते थे? हाँ, वैसे भी आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। या तो आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, सो ब्रिज फेस, अरे ये तो बहुत तगड़ी वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इसने। ये तो कुछ अपने हिसाब से लेके जा रहा है, ठीक है।
तो ये बोल रहा है कि हम तेरे हिसाब से हम नहीं चलेंगे। ठीक नहीं है भैया, अगर चल तू नहीं चलेगा तो हम लेके आ जाएंगे तुझे। पता है हमें भी कि तुझे कैसे लेके आना है। ओके, तो एक प्लेन ले लीजिए। ओके, प्लेन लेके इसको आप वर्टेक्स टैब वर्टेसीज सेलेक्ट, यहाँ तक आप लेके आ जाइए इसको। और ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके इसको यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट टैब प्रेस करके इसको हल्का सा आप ऊपर की तरफ लेके जाइए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बस टैब प्रेस करके फेस जाके ऊपर का फेस सेलेक्ट कीजिए। एक्सट्रोड करके हल्का सा इसको थोड़ा सा मोटा बना दीजिए। ओके, तो ऊपर का तो हमें बन गया, और ये स्क्वेरियर है तो ही अच्छा लग रहा है, हाँ ताकि हर जगह जहाँ पे भी गैप है उसको छाव छावनी, छाए ऊपर का जो छत रहता है जी। सो छत की तरह ये उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो ठीक है, ये कोई टेंशन नहीं है। तो आगे चलो। इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर जहाँ पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाना है वहाँ पे एक्स्ट्रा लेके जाइए। तो इसको ऐसे बना देते हैं। और एक और जो हमें करना है वो है कि हर खिड़कियाँ जो है वो खिड़कियों पे एक और जाली जाली, हाँ जाली नहीं, वो ऊपर का वो बारिश नहीं अंदर जा घुसने के लिए वो ऊपर किए रहते हैं ना, तो उस तरह हमें करना है। उसके लिए तो कोई टेंशन है नहीं, बस यहाँ पे एक और यहाँ पे लेके आइए, जहाँ पे भी वो खिड़कियाँ हैं खिड़कियों से थोड़ा सा हटके हमें एक और, बस ये दोनों फेसेस को आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और एक्सट्रूड करके बाहर की तरफ निकाल दीजिए। बस यहाँ पे हो गया। उसी तरह आप यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ओके, तो एक और एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे चाहिए, और एक और यहाँ पे। एक्सट्रूड, तो इसको भी हल्का सा बाहर की तरफ लेके जाइए। देन यहाँ पे एक और तो सारे फेसेस सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह, एक्सट्रूड और थोड़ा सा आगे। तो हर जगह हमारे जहाँ पे भी खिड़कियाँ हैं तो वहाँ पे तो ये बन गया, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ये सिर्फ ये ऊपर का हमें सेलेक्ट करना है। ओके, तो ऊपर के भी हमें कुछ इस तरह, क्योंकि कोई छत पे जाएगा तो जी डायरेक्ट ऊपर जाके सीधा नीचे आ जाएगा, जी और नीचे जाके सीधा भगवान के पास। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जब बाद इतने पैसे में लग गए घर बनाने में तो वो हाँ बन नहीं जाना चाहिए। वो बाद में क्या करेगा ना, जो भी बनाया रहता है प्लानिंग उसको पकड़ के मारने के लिए आएंगे। देख भाई क्या किया तूने, सिविल तेरे इंजीनियर कैसा कैसा डिजाइनर है तू, ऐसा मेरे परिवार वालों को
ये कर दिया तूने को, बाद में हमें आके बहुत से अच्छे से धुलाई करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक तरफ हमें गैप बनाना है ताकि कोई भी छत पे अगर जाना चाहे तो जाने के लिए, तो एक रास्ता हमें छोड़ना चाहिए, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, एज राइट क्लिक, ब्रिज फेस सिमिलर ये दोनों, राइट क्लिक ब्रिज फेस, तो यहाँ पे गैप तो बन गया। अब हमें क्या करना है कि टैब शिफ्ट ए क्यूब इसको हल्का सा यहाँ पे एक स्टेप हमें बन गया, तो इसी को लेके हमें अभी डुप्लीकेट करते जाना। तो डुप्लीकेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट डी, इसके ऊपर शिफ्ट डी ऊपर, लगता है बहुत लंबा हो गया इसको, और हिस्सा थोड़ा सा हम पतला करेंगे। ओके, ठीक है, इतना काफी है। तो अभी साइड व्यू पे जाके शिफ्ट डी ऊपर को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट डी ऊपर, ये बहुत जा रहा है। या तो एक और काम हम कर सकते हैं, तो सेलेक्ट करके फेस लंबा यहाँ तक ले लीजिए और इसको ऊपर की तरफ ऐसे कर दीजिए। डायरेक्ट फिसल के नीचे हाँ फिर सर ऊपर कैसे जाएंगे? रुको रुको जरा सबर करो। सबर कर, अब वो दिखाई नहीं दे रहे बंदा। हाँ ओके, तो यहाँ पे एक्सट्रूड, उसको कोई मिल नहीं रहा है लगता है बोलने के लिए, तो इसलिए बेचारा वो वैसे ही है। ओके राइट, वर्टेक्स सारे वर्टेक्स आप कलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। ओके, डब्ल्यू इसको प्रॉपर सेलेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो काम हमें करना है छोटा वो ये है कि इसको यहाँ पे एक और यहाँ पे एक फेस सेलेक्ट
इसको सारे चीजों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। एक्सट्रूड, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ आप लेके जाइए। ओके, सो नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक जितने हमें वहाँ पे स्टेप्स चाहिए उतने यहाँ पे ले लीजिए। 18 स्टेप्स हम यहाँ पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये सारे चीज़ों को हमें सेलेक्ट करके एक्सट्रूड, एक्सट्रूड, बस एक एक को एक्सट्रूड करके हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। थोड़ा डेंजरस लग रहा है सर, ये मेथड उतना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये काम नहीं करेगा तो हम एक और भी हम ले सकते हैं। तो जैसे एक छोटा सा आप क्यूब बना दीजिए नया वाला। ओके, तो इसको जितना इसका गैप है उतना पहले आप कर लीजिए इसको। ओके, लीजिए थोड़ा सा पीछे की तरफ। ओके, तो अब साइड व्यू में जाके एक्सरे मोड को ऑन करके शिफ्ट डी डुप्लीकेट, ओके, शिफ्ट डी डुप्लीकेट,
बस इसको एडजस्ट करते चाहिए। तो शिफ्ट डी एक एक ही करते आ जाइए ताकि आपको बार बार एडजस्ट ना करना पड़े। ना कर उतने ही टाइम लग जाएगा, हाँ इससे अच्छा है कि एक एक ही आप प्रॉपर एडजस्ट करते जाइए। शिफ्ट डी शिफ्ट डी ग्राउंड फ्लोर हाँ ग्राउंड फ्लोर और टेरेस ऊपर का टेरेस ऊपर। चाहे तो आप यहाँ पे एक सिंटेक्स भी आप रख सकते हो। ब्लेंडर बेचारे पानी के लिए सिलेंडर कर से हाँ सिलेंडर ले लीजिए, इसको थोड़ा सा साइज कम कर दीजिए। ओके इस साइड पे हम रख देते हैं इसको। तो इसको सेलेक्ट करके टैब टॉप फेस एक्सट्रूड प्रेस आर ओके एक्सट्रूड थोड़ा सा और ऊपर एक्सट्रूड थोड़ा सा स्केल नीचे एक्सट्रूड। ओके सो जैसे कि वो ऊपर का जो कैप रहता है तो उस साइड
चाहे तो आप दो छोड़ के आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रूड तो हल्का सा अंदर की तरफ, राइट। तो अभी प्रॉपर ये बन गया। और चाहे तो आप अभी क्या कर सकते हैं, शिफ्ट ए मैश एक प्लेन ले लीजिए, स्केल इसको थोड़ा सा बड़ा। ओके, यहाँ पे फेस सेलेक्ट, सर गार्डन भी बना सकते हैं ना। हाँ, आप बस इसको एक्सट्रूड करके थोड़ा सा कंपाउंड ऊपर है। ओके, लगता है पीछे की तरफ ज्यादा गैप हो गया। तो वर्टेक्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप पूरा एक इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सो दोनों आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये कुछ हमने उल्टा कर दिया। कौन सा? ये हमारा ये बैक डोर को हमने फ्रंट कर दिया, फ्रंट को हमने बैक कर दिया। ओके, तो कोई बात नहीं, इसी को हम रोटेट कर देते हैं। दीजिए। ओके, तो ये हमारा बन गया गेट। यहाँ पे भी बस एक आप गेट बना दीजिए तो आपका पूरा रेडी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह तो हम नेक्स्ट क्लास में हम टेक्सचरिंग के लिए हम चले जाएंगे। ओके।